वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में। ये वीडियो मैं अपने दोनों चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, इस वजह से जो है मैंने दोनों इंट्रो यहाँ पर अपडेट कर दिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं ITI से रिलेटेड जो है अभी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। देखो भाई, डेली ITI पर मैं आपको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ UP की, अगर मैं बात करूँ HP की, अगर मैं बात करूँ MP की, अगर मैं बात करूँ बिहार की, या फिर मैं बात करूँ हरियाणा की, अभी ये जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं ये अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इस वजह से मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जिसकी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उसकी ही आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा, मैं अपनी मर्जी से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं दिल्ली की लेकर आया हूँ, इसमें जितनी अपडेट इन्होंने दी है वो मैं आपको दे दूंगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे आपको लगा के दे रखी है, ये आप देख लें। अब यहाँ पर इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट किया मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ मैं रिपीट भी कर रहा था आप लोगों से, तो इन्होंने जो है यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। 26 तारीख यानी आज ही ये चीज़ अपडेट हुई है, ये मैं सुबह से ही चेक कर रहा था कि कुछ अपडेट हुआ है नहीं हुआ, बट इन्होंने आफ्टरनून में 2 से 3 बजे के बीच में ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करी है, तो ध्यान से सुने। यहाँ पर ये बोल रहे हैं काउंसलिंग के राउंड में अपग्रेडेशन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जानकारी, मतलब ऐसे उम्मीदवार जो अपनी जो है फर्स्ट काउंसलिंग में अपनी सीट को रिजर्व करवा चुके हैं उनके लिए भी अपडेट आई है, तो मैं पढ़ देता हूँ उसको। राउंड 2 के लिए सीट फेरबदल यानी चॉइस रीशफलिंग जो था भरे गए विकल्पों की वरीयता के आधार पर आवंटित की जाएगी, ठीक है, रीचॉइस के आधार पर जो है आपको वो सीटें आवंटित की जाएगी। अगले दौर में उम्मीदवार को यदि कोई सीट आवंटित नहीं की जाती है तो पहले आवंटित सीट को ही यहाँ पर रखा जाएगा, मतलब समझो अगर आपका सेकंड काउंसलिंग में कोई सीट पे मौका नहीं मिल पाता, मतलब सेकंड काउंसलिंग में कुछ नहीं मिल पाता, तो फर्स्ट में जो आपको सीट मिली थी वही सीट आप जो है यहाँ पर अपने पास रखेंगे, मतलब उसी सीट में आपको एडमिशन मिलेगा। ये मैंने फंडा समझा दिया अब आपको। अब नीचे वाले पार्ट पर बढ़ते हैं, काउंसलिंग के राउंड एक में जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई, ठीक है, पर वो रिपोर्ट नहीं कर सके, ये तो ऊपर वाला था उनके लिए जो ITI में रिपोर्ट करने गए थे, ये उनके लिए जिनको सीट मिलने के बाद वो ITI में नहीं गए, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, मतलब जाके अपनी जो सीट को फ्रीज नहीं करवाया, उनके लिए ये है। यदि उम्मीदवार काउंसलिंग के पिछले दौर में रिपोर्ट करने में विफल यानी वहां पर नहीं जा पाता है तो अगले दौर में हिस्सा लेने के लिए उसे चॉइसेस दोबारा भरनी होगी, मतलब जो पहले चॉइसेस की थी वो हट जाएंगी और अब जो उसे नई चॉइस करने पड़ेगी, नई भरी हुई चॉइस में से ही सीटें उसे अलॉट की जाएगी और चॉइसेस दोबारा भरने से पहले उसे जो है यहाँ पर कंसेंट एक्सेप्ट, कंसेंट फॉर्म का जो एक्सेप्टेंस का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा, पहले से आवंटित सीट पर उसका कोई भी दावा नहीं होगा, तो ये आप लोगों से कंसेंट वहाँ पे करवा जाएगा। सो आई होप कि मैंने सारे डाउट जो आपके क्लियर कर दिए होंगे, फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मैंशन करो। कुछ वीडियोज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो गौरव जंक्शन पर मैंने अपलोड कर रखी है, जाकर आप देखें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और कल से जो है यानी कल से आप लोग रीचॉइस कर पाएंगे, बाकी डिपार्टमेंट ने कितनी सीटें बची है अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जैसी ये अपडेट आती है आई प्रोमिस कि मैं आप लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोनों चैनल को और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कर देना। दैट्स इट।